Khan's movie Beshram Rang, the song has been mired into controversy because I think it's not for you and me to decide whether this song is right or wrong. We have a agency, we have a department by the government, and their people, not only the government people, but the people from the cross section of the society watch the film and decide what will be passed and what will not be passed, what is acceptable and what is not. I think we should have a trust in that certification and wait for what their cuts they suggest and what they pass. What is the discussion at this stage when there is no certification so far? मुझे सातों रंग बड़े पसंद है. वो तो बड़ा अजीब आदमी हो जो कहे जी मुझे इनमें से एक रंग बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. सातों रंग डिपेंड करता है कहाँ यूज हो रहे हैं. जी युवा हमेशा आपसे प्रेरणा लेते आई है, युवा हमेशा आपसे इंस्पायर हुए हैं. जी ऐसा कभी आपको हुआ है कि कोई युवा ने आपको मुकाबला दे दिया हो या आपको लगा ये हमारे जमाने को हमारे लफ्जों को इन्होंने? बिल्कुल देखे दे ही रहे हैं. जो आजकल युवा जो पिक्चरें लिख रहे हैं, जो अच्छी फिल्में हैं, वो कितनी अच्छी लिख रहे हैं. मुझे मुकाबला कर दे रहे, मुझसे तो कहीं आगे निकल गए. इन टर्म्स ऑफ पोएटिक राइटिंग जैसे है. अरे करेक्ट सिग्नेचर आप कहाँ तो मैंने बहुत बदमाश है. अरे भाई इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर आ रही है, आप देखिए. मैं तो सोचता हूँ मैं तो इतना अच्छा नहीं लिख सकता जितना लिख रहे हैं या आजकल के यंग राइटर. आप कह रहे मुकाबला कर कुछ मुझसे आगे है. आपके जमाने के लफ्जों को पकड़ पाना? नहीं नहीं नहीं, क्यों पकड़े उन लफ्जों को? उनके अपने लफ्ज है, अपना अंदाज है लिखने का. आपके आपके जमाने के लफ्जों का एक अलग अंदाज था, एक अलग वो अलग था, ये अलग है. अब देखिए आप ये देखिए, ये देखिए अपना जो नई फिल्में आई है कई सी, वो मैंने जो देखी तो मुझे तो कमाल की लगती है. क्या अच्छा लगता है, बहुत अच्छा. जो अच्छी राइटिंग है, अच्छी फिल्में, तो बहुत अच्छा. आपसे बहुत आगे, मैं दिल से कह रहा हूँ, ये नहीं कि डिप्लोमेटिक जवाब दे रहा हूँ. मैं तो वो देख के सोचता हूँ और सीखता हूँ कि मैं ऐसा लिख सकूँगा कि नहीं. जैसे OTT है कई, क्या लिखा है लोगों ने, कितना अच्छा लिखा है. लॉकडाउन के बाद जी कुछ पूछ रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने कहा है. तो मैंने यही कहा कि उनको चाहिए कि सेंटर से बात करें और एक मध्य प्रदेश के लिए अलग सेंसर बोर्ड बनवा कि जब आप पिक्चर जाए मध्य प्रदेश अलग से देखिए. उनके कहने का मतलब तो यही ना, जो सेंटर के सर्टिफिकेशन से खुश नहीं है तो उसमें हम नहीं आते बीच में. ये उनके और सेंटर के बीच में है. अभी जगत गुरु शंकराचार्य ने भी इस बात का ऐलान किया है कि एक धर्म सेंसर बोर्ड अलग होना चाहिए जो सारे कंटेंट को. बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं होना. नहीं नहीं वो कह रहे हैं तो मैं उसका आदर करूंगा, मैं उनकी बात को कॉन्ट्रेडिक्ट थोड़ी करूंगा. होना चाहिए, ये भी बनवा लीजिए. एक मध्य प्रदेश में होगा क्या भी हो जाए, और एक सेंटर का तो आई है. क्या हाल है, क्या तकलीफ, क्या उनका कहना है कि चाहे फिल्म हो, टीवी हो, ओटीटी हो, सारा कंटेंट पहले हम देखेंगे और मजहब उनका जो धर्म है हिंदू धर्म जो है उसे किसी नहीं नहीं, वहाँ फिर बाकी धर्मों का भी करवा देंगे अलग अलग सेंसर. सारे धर्म हमारे यहाँ तो काफ़ी चार पांच इम्पोर्टेंट धर्म है, सबका अपना सेंसर करवाओ और वो सब देखें. इसी माने चलो कुछ मौलवी लोग फिल्में देखना शुरू कर देंगे, वो मुझे सुख करता है. कीजिए कीजिए. इसका इलाज हल क्या देखते हैं सर, जिस तरह इसका सिर्फ ये है कि हमारी जो सरकार है जिसके पास राइट है सेंटर है कि हम जो सर्टिफिकेट देते हैं उस सर्टिफिकेट की हम इज्जत रखेंगे और हम अब कर लिए एक ही बात है सर आप कर दीजिए
और वो अपने जो सर्टिफिकेशन है उसकी सुरक्षा कर। आपकी बात नहीं थी। अच्छा मैं तो मान रहा हूँ। चलो हो गया भाई, चलो चलो।